हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टंट स्टोरी। आज मैं लेकर आया हूँ एक वोलसम एनीमे जिसे तुम फैमिली के साथ मत ही देखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इस एनीमे में हमारा मेन कैरेक्टर एक बायोलॉजिस्ट होता है जो एल्फ पर रिसर्च करने जंगल में आया होता है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कैसे जंगल में मंगल होता है। अब हमें मैन कैरेक्टर का नाम काजू होता है। ये एक पहाड़ के चोटी पर खड़ा होता है, तभी वहां से जमीन टूट जाता है और काजू नीचे गिर जाता है। फिर काजू बेहोश होने के बाद अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने उर्फी जावेद जैसे कपड़े पहने एक एल्फ होती है जो इंसान देखकर बहुत खुश होती है, जैसे गर्मी में आइसक्रीम मिल गया हो। इसके बाद हमें एल्फ का नाम पता चलता है जो कि माना होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर आम आदमी की तरह माना के कपड़े को देखकर बॉडी शेमिंग कर देता है, लेकिन माना बुरा ना मानते हुए बोलती है, ये हमारा ट्रेडिशनल क्लॉथ्स है जो मेरी बहन और माँ भी पहनती है। अब सीन शिफ्ट होता है और काजू हमें बताता है कि मैंने माना को थोड़ा सा ज्ञान पेल दिया जिसके कारण वो मुझे अपना टीचर मानने लगी है। अब टॉपिक को टपाटप पर लाते हुए माना पूछती है, मेरे संतरे मेरी बिग सिस्टर के मुकाबले थोड़े अलग है, इसीलिए अगर कुछ आपको पता है टीचर तो प्लीज मेरी मदद करे। अब माना ने एकदम इतना रिक्वेस्ट कर रही होती है कि हमारे एमसी के पास कोई चारा नहीं होता है, इसलिए वो उसके संतरे दबाकर मदद कर देता है। अब इतने अच्छे मन से मदद करने के लिए माना काजू को पिस्ता बादाम का जूस पीने को देती है, जिसे पीने के बाद काजू का बादाम बम्बू बन जाता है। फिर माना बताती है कि ये मेरी मदर का बनाया हुआ एक स्पेशल जूस है जो मरे हुए को जिंदा कर देता है। अब क्या जिंदा हो जाता है तुम समझ जाओ बस। इसके बाद माना जब काजू का एक्सकैलिबर देखती है तो उसको अपना डंजन एक्सप्लोर करवाने का मन करने लगता है। अब माना के मदद करते हुए काजू डंजन को 69 लेवल तक एक्सप्लोर कर देता है। अब कहानी को इंटरेस्टिंग बनाते हुए यहाँ पर माना की बिग सिस्टर आ जाती है जो कांड होता देखकर काजू को पेड़ से बांध देती है। इस पर माना अपनी सिस्टर को सारी बातें बताती है कि हम लोग सोलो लेवलिंग खेल रहे थे। बिग सिस्टर भी बात को तुरंत समझ जाती है जैसे ये नॉर्मल बात हो और काजू को आजाद कर देती है। इसके बाद बिग सिस्टर अपना नाम तिरु बताती है, जिस पर काजू भी अपना इंट्रोडक्शन देता है, जो सुनकर तिरु कहती है, एमसी मेरी सिस्टर ने तुम्हारी जान बचाई और तुम उसके साथ टपाटप करने लगे। दोस्तों एच एनीमे में ऐसे ही एहसान चुकाया जाता है। अब टॉपिक को चेंज करते हुए तिरु बताने लगती है कि हम एल्फ को रिप्रोडक्शन में बहुत प्रॉब्लम होता है और माना ने तुम्हें अपना पार्टनर चुन ही लिया है, तो अब तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। इसके बाद तिरु डायरेक्ट बताती है कि मैं कहना चाह रही हूँ कि तुम माना के साथ तब तक टपाटप करो जब तक वो तुम्हारी बच्चों की माँ नहीं बन जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है चांदनी रात में, जहां तिरु की एडवाइस को मानते हुए हमारा हीरो रात भर माना के साथ पलंग तोड़ता है। उन दोनों के आवाज से तिरु को रात को अच्छे से नींद नहीं आता है, इसलिए वो सुबह काजू को गाली दे रही होती है कि एमसी साले मैंने तुझे टपाटप करने को बोला था, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि मेरे सामने ही चालू कर दो। इस पर काजू हरीम प्लॉट डालते हुए बोलता है, ये तुम्हारे स्पीसीज के लिए बहुत जरूरी टास्क होता है तो तुम भी ये क्यों नहीं करती हो। जिस पर तिरु बहाना मारते हुए बोलती है, मुझे अपनी लिटिल सिस्टर को प्रोटेक्ट करना है और मुझे ये सब नहीं करना है। फिर यहाँ पर सपोर्टिव सिस्टर की एंट्री होती है जो बोलती है, तुम्हें भी टीचर से मदद मांगना चाहिए, जब तुम टीचर का औजार देखोगी तो तुम भी टीचर को पसंद करने लगोगी। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हुए माना तिरु को काजू का एक्सकैलिबर दिखा देती है, जो देखने के बाद तिरु का ऐसा रिएक्शन होता है जैसे भूत देख लिया हो। तो ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसका एक और पार्ट है जो इस वीडियो पर कितना रिस्पॉन्स आता है उसके बाद मैं बनाऊंगा। कमेंट करना अगर ये एच एनीमे पसंद आया हो तो, और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।